अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा था, पहले तो मैं आपको बता रही हूँ। कल मैंने ऐसे रैंडमली कुछ चीजें मेरे जहन में आई तो मैंने इनको बता दी। अगर कोई तुम्हारी जैसे सबकी बातें सुनने के बाद कोई और भी चीज जहन में आई जिसकी तस्वीर नहीं है, हमें कबूल है वो सुनना, सही है, ठीक है। अच्छा, ये है सबसे पहले ये जेल का एक वो है, ये क्राइम रिपोर्टिंग जो मैं कर रही थी। आपको जेल कब हुई है? आपको नहीं थी मुझे टर्की में, क्राइम रिपोर्टिंग मैं कर रही थी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो कोट लखपत जेल में एक कैदी था, कैदी होता ना, तो वो उसको उसने अपनी बहन का, दो बहनों का कत्ल किया था गैरत की वजह से। अच्छा, किसकी वजह? गैरत। अच्छा, गैरत के नाम पे। शी वाज हैविंग एन अफेयर जो भी व्हाटएवर। तो हमें भेजा, हालांकि हम अभी जा नहीं सकते थे, बट वो एक रिपोर्टर है बहुत सीनियर, वो कोई प्रॉब्लम हुआ वो नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा आप चले जाएँ। तो हम जूनियर लोग थे दो, वो गए, और मैं तो बहुत, मेरे लिए बहुत ये था कि यू नो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा इंसान वो कैसे बात करता है, वो क्या सोच रहा होगा इस तरह। तो मैं एक्सपेक्ट, हम कोट लखपत बहुत दूर कहीं करके वो था, वहाँ पर हम गए बहुत मुश्किल से, और वो हमें जेल अंदर तक ले गए जहाँ पे वो था, मतलब सलाखों के पीछे वो था। सही है। अच्छा, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बैठा होगा, इसको लगेगा कि मैंने क्या किया, यू नो अब सारी जिंदगी मेरी ऐसी गुजर रही थी, टॉर्चर हो रहा होगा और फिर गिल्टी होगा, जिंदगी खत्म हो गई और जो भी फैसला कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल बहुत चिल, वाज सो हैप्पी, सैटिस्फाइड, आराम से वो बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे यू नो आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने गए हैं, क्योंकि उससे पहले भी मीडिया से लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो अब मतलब बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। खैर, मैंने उससे पूछा कि लोगों ने सवाल जैसे शुरू किए पहले, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज के, यू नो ही मस्ट हैव बीन प्राउड। एग्जैक्टली, यू नो उसको कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने क्या किया या मुझे नहीं करना चाहिए था, और दो बहनें। तो मैंने उससे पूछा कि, और वो इतने आराम से जवाब दे रहा था कि दिल तो चाह रहा था कि वहीं से बंदा इसका गला पेड़ लगा, लिटरली जैसे आपको एक होता है ना, माइक सर पे मार दूंगा। हाँ, तो वो और मारा भी जा सकता था क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था, सलाखों के पीछे था बंदा, तो इतना हौलनाक एक वो था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी बहन को मारा इसलिए कि वो तुम जैसे गैरतमंद भाई की बेगैरत बहन थी, और या ये कि अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर होगा, तुम किसी को पसंद करोगे, तो मेरा, मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो कहेगा कि नहीं ये नहीं होता और ये गलत है। वो आगे से एक अजीब सी उसका ना स्माइल थी उसके फेस पे, और यू नो एक मतलब कि डबल स्टैंडर्ड तो बहुत छोटा वर्ड है ये कहना, कि उसके लिए उसने अपने एक्सप्रेशन से उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने हल्का सा स्माइल किया और उसने कहा वो फिर उनका देखा जाएगा जो भी है, बट मेरी बहन तो ये नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, और आप देखें कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ अब तक मेरे साथ है, वो एक्सपीरियंस बहुत टाइम पहले का है, बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको, और वही एक चीज़ जो आप खुद आपने अपनी बहन के साथ की, आपको लग रहा है वो आपके साथ होगी तो वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो होगा तो देखा जाएगा, या वो इस तरह से उसको क्लियरली, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो क्लियरली कहेगा कि बिल्कुल गलत है, मैं भी किसी के साथ, किसी की बहन के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, जो चीज मतलब मुझे लगा कि वो इतना तो सिंसियर होगा कि भाई नहीं, मैं भी ये काम कभी नहीं करूंगा, मेरी बहन ने भी किया उसने गलत, बिल्कुल कि आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, आपको कुछ जस्टिफिकेशन अपने आप को भी देनी पड़ती है, तो मुझे लगा वो ये कहेगा बट उसने नहीं कहा, यू नो ये बहुत मेरे लिए हमेशा याद रहे ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, कि बाज़ दफ़ा इंसान लोग ऐसे भी होते हैं। एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद से लाइफ में आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें लोगों की जिंदगी में ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए होती हैं और अपने लिए नहीं। परफेक्ट एग्जांपल ना, आज के दौर में गुनाह वो गलती है जो आप खुद नहीं कर रहे, आपके अलावा जो भी कर रहा है वो गलत। सही बात। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है इसमें? मेरे साथ ये है मसला कि मैं एक चीज में चली जाती हूँ और बिल्कुल तुम उसी जोन में चल रही हो अभी। हाँ, वो तुम्हें तुम्हें पता नहीं, तुम्हें देख के हंस रहा था। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.